सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस जी पेट वर्ल्ड। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमल से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मिस्टीरियस और सरप्राइजिंग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोलूँगा क्योंकि मेरी वीडियो जो थोड़ी लेट आ रही है, उसका कारण भी जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट्स। मतलब यार, तभी मैं सोचूं कि ये रंग बिरंगी बटरफ्लाइज फूलों पर सिर्फ बैठती क्यों हैं। बाय द वे, इनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हम इंसानों से 200 टाइम ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। मतलब किसी फूल या पौधे पर लैंड करते ही इनको पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा है ना मस्त। नंबर दो, रेट्स लव हैं। आप भी सरप्राइज हो गए ना, बट रिसर्च ये कहती है कि जब चूहे अच्छे मूड में होते हैं या फिर उनको आप गुदगुदी करोगे तो वे हंसते हैं। तो अगर आपके घर में कोई चूहा आवाज कर रहा है तो हो सकता है कि वो जोर से हंस रहा होगा। नंबर थ्री, ए अडल्ट पेंडा कैन पूप 28 kg। जी हाँ, ये क्यूट से दिखने वाले टेडी बियर, मतलब कि पेंडा, सारे दिन में 28 kg से ज़्यादा पूप करते हैं। और दोस्तों, एक अडल्ट पेंडा पूरे दिन में 12 से लेकर 38 किलो तक बेम्बू प्लांट खा सकता है। गाइज, अगर आपको ये वाला फैक्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो अभी। नंबर फोर, क्रोकोडाइल्स कैन लिव अप टू 100 ईयर्स। चौंक गए ना आप, लेकिन ये बात सच है कि सही केयर करने पर ये डेंजर सा दिखने वाला जीव 100 सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जंगल में नॉर्मली क्रोकोडाइल 60 से 70 साल तक ही जिंदा रहते हैं। नंबर फाइव, एन ऑक्टोपस हैज़ 3 हर्ट्स। ऑक्टोपस के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इन तीनों हर्ट्स का काम अलग अलग होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको हार्ट अटैक कैसे आता होगा। नंबर सिक्स, ए ग्रुप ऑफ आउल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अच्छा, हम सब में से किसी ने पार्लियामेंट या फिर संसद को देखने की तो ज़रूर सोची होगी, लेकिन अब आपको ये संसद आपके घर के बाहर ही देखने को मिल जाएगी। मतलब उल्लू के एक ग्रुप को भी पार्लियामेंट ही कहते हैं, है ना बहुत ही मज़ेदार चीज़। नंबर सेवन, ए ग्रे हाउंड कुड बीट ए चीता इन लॉन्ग डिस्टेंस रेस। मतलब दोस्तों, ग्रे हाउंड एक प्रकार का हंटिंग डॉग होता है, मतलब कि शिकारी कुत्ता, और ये काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं। और अगर आप चीता और ग्रे हाउंड को लॉन्ग डिस्टेंस की रेस में दौड़ाओगे तो ग्रे हाउंड काफ़ी आगे निकल जाएगा। नंबर एट, ए रैबिट कैन व्यू 360 डिग्री। मतलब तभी मैं सोचूं कि मेरा रैबिट जो है मेरे को चारों तरफ से कैसे नोटिस कर ले। मतलब जब भी आप किसी रैबिट को पकड़ने जाओगे तो आप कहीं से भी चले जाओ, वो आपको नोटिस कर ही लेगा। नंबर नाइन, काउज प्रोड्यूस मोर मिल्क व्हेन लिसनिंग स्लो म्यूजिक। मतलब गाइस, अगर आपके पास में कोई गाय हो और वो दूध ना दे रही हो तो ट्रस्ट मी, आप उसके पास में जाके कोई भी स्लो म्यूजिक चला दो एंड वो आराम से दूध दे देगी। नंबर टेन, टाइगर्स हैव स्ट्रिप्ड स्किन। मतलब ये जो आप ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये हर टाइगर के अंदर अलग अलग होती है। जैसे कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही सेम इनमें होता है। एंड ये इनके बालों के कारण नहीं होता है, बल्कि ये इनकी स्किन ही ऐसी होती है।
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो यार, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, साथ ही में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को ये रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि देखो मैं वीडियो लेट क्यों बना रहा था। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसे हुआ कि अपना जो चीकू है यानी जो मेरा रैबिट है उसको यार माइट्स की प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि काफ़ी डेंजरस होती है, तो मैं बस उसी के ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। और आप सभी लोगों की यार मदद से, आप सभी लोगों की दुआ जो काम कर रही है और वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाली वीडियोज में उसके बारे में बताऊंगा, तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट पीस आउट।